नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा बिरला डायरी मामले में जांच की मांग को किया खारिज। सबूतों को बताया नाकाफी। आईटी के रेड में सहारा के ऑफिस से मिली डायरी में लिखी थी नरेंद्र मोदी को 25 करोड़ रुपए घूस देने की बात। जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी का उड़ाया मजाक। कहा योग की राजनीति करते हैं मोदी, पर पद्मासन तक नहीं आता। बाबा रामदेव को बताया केंद्र सरकार का अर्थशास्त्री, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस पर लगाया देश को डराने का आरोप। मनीष सिसोदिया के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने दी सफाई। कहा पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से होगा, मैं दिल्ली का हूं, लेकिन पंजाब के सारे वादे पूरे करने का काम है मेरा। बठिंडा में चुनावी रैली के दौरान एक युवक ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर फेंका जूता। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। सरकार की नीतियों से परेशान था युवक। एक बार फिर सामने आए चीन और ताइवान। ताइवान की जल सीमा के नजदीक पहुंचा चीन का नौसैनिक बेड़ा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। और शमी की पत्नी के बाद अब सानिया मिर्जा के ड्रेस पर मचा हंगामा। सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल की शिकार। ड्रेस पर लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।